हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जब से व्हाट्सएप ने स्टेटस के फीचर को इनेबल किया है, तब से लगभग सभी सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप कंपनी ने भी स्टेटस के फीचर को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इनेबल कर दिया है, जहां पर आप किसी भी क्लिप या फोटो या फिर टेक्स्ट को 30 सेकंड के लिए स्टेटस के तौर पर अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी आपके साथ में ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको किसी और का स्टेटस पसंद आ जाता है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसको डाउनलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके किसी का भी स्टेटस बड़ी ही आसानी से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा बढ़ जाता है और एक फालतू का ऐप भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप किसी के भी स्टेटस को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ किए। सो करें स्टार्ट? तो करना, चलो कर ही देते हैं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे एंड यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के किसी के भी स्टेटस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको चले जाना है अपने व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद में आपको उस स्टेटस को वॉच कर लेना है जिसको आपको डाउनलोड करना है। तो मैं अभी इस स्टेटस को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको वॉच कर लूँगा। और वॉच करने के बाद आपको सीधा बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद में आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड का फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद में आपको मीडिया के अंदर चले जाना है और आपको इसके बाद नीचे व्हाट्सएप के अंदर चले जाना है और व्हाट्सएप के ऊपर दोबारा से टैप करके इस तरीके से आपके सामने फोल्डर खुल जाएंगे और आपको यहाँ से मीडिया के अंदर चले जाना है। इसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर स्टेटस का जो फोल्डर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे के सारे स्टेटस जो आपने वॉच किए होंगे वो सभी के सभी इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। तो अब मैं आपको उस स्टेटस को चालू करके दिखा देता हूँ जो स्टेटस मुझे डाउनलोड करना था। वो स्टेटस भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डाउनलोड हो चुका है। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान। तो दोस्तों, होता दरअसल ये है कि जो भी स्टेटस आप दिन भर के अंदर आप वॉच करते हैं वो सारे के सारे स्टेटस आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से डाउनलोड हो जाते हैं, जो कि 24 घंटे के लिए आपके मोबाइल के अंदर इसी तरीके से डाउनलोड रहते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद ही ऑटोमेटिक तरीके से आपके मोबाइल से डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टेटस को परमानेंटली अपने फ़ोन में सेव करके रखना चाहते हैं तो आप उस स्टेटस को किसी दूसरे फोल्डर में जाके कॉपी पेस्ट या फिर मूव कर सकते हैं। इसके बाद वो स्टेटस आपके फ़ोन में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और जब आप उसको डिलीट करना चाहेंगे सिर्फ उस टाइम पे वो डिलीट होगा, ऑटोमेटिक तरीके से डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको ईजिली समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आपको स्टेटस डाउनलोड करना है। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।